जीरो बैलेंस का अकाउंट है ना, जीरो बैलेंस में आप अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए ना। हाँ जी। वो जीरो बैलेंस में आप कोई भी टाइम में पैसा भी जमा कर सकता है, जो भी कर सकता है, इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। और अपना सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का भी अकाउंट है, और आपका अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस का है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का अकाउंट भी आप बैंक थ्रू में कर सकता है। आप अकाउंट जीरो बैलेंस में खोल के उसी अकाउंट से आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप लोग दे सकते हैं है। और 12 रुपया का जो इंश्योरेंस है वो एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है आपको 2 लाख रुपये, और इसका एज ऑफ एंट्री है 18 ईयर से लेके आपका 70 एज तक खुल सकता है ना। तो इसमें कोई भी एक्सीडेंटल कॉज में डेथ हो जाता है तो उसका नॉमिनी को 2 लाख रुपया इंश्योरेंस मिलता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। ये हो गया हमारा सुरक्षा बीमा योजना, और एक है हमारा जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ईयरली 330 रुपीज़ है ओनली, वो भी आपका बैंक थ्रू से कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करे, इंश्योरेंस कंपनी में डिपॉजिट होता है, जिसका अकाउंट में पैसा मिनिमम बैलेंस रहना पड़ता है हर टाइम में ना, और ईयरली 330 रुपीज़। उसका एक्सीडेंटल बेनिफिट भी 2 लाख रुपया है हाँ, लेकिन वो नॉन रिफंडेबल अकाउंट होता है उसका ना। और ये 330 रुपया अपना एज ऑफ 55 एज तक आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट होता है ना, अगर 55 तक कंप्लीट हो गया तो ये अकाउंट पॉलिसी ओनली बंद हो जाता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और एक है हमारा अटल पेंशन योजना स्कीम है, उसका भी आपका अकाउंट थ्रू में कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है। इसका प्रीमियम 18 ईयर एज में ओनली 210 रुपया मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन उसका पेंशन आएगा 5000 रुपीज़ आफ्टर 60 एज में कंप्लीट होगा, तब इसका पेंशन लागू होता है ना। और जब तक लाइफ रहेगा 5000 रुपया उसका पेंशन आते रहेगा। इन केस ऑफ डेथ, अगर बुरार का बेनिफिशियरी का डेथ हो जाता है तो उसका नॉमिनी को फिर पेंशन चालू हो जाएगा 5000 रुपीज़ करके ना। और नॉमिनी जब तक 5000 करके लेगा, उसका डेथ होने से पॉलिसी बंद होगा, और उसका कंट्रीब्यूशन जो है, जो साम एश्योर्ड है, वो अपना नॉमिनी को मिलेगा। ये फैसिलिटी प्रधानमंत्री आपका अटल पेंशन योजना का थ्रू में मिल रहा है, और अकाउंट सिर्फ बैंक में होना चाहिए, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन अकाउंट थ्रू में आपका कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट है ना। तो इसीलिए ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोल के आप वो कंट्रीब्यूशन को डालने के लिए आप लोग ये अकाउंट को चला सकते हैं ना। ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा 3 है ना, और जीरो बैलेंस अकाउंट भी हम लोग खोल रहे हैं, रुपये कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपका NEFT RTGS सब कुछ बैंक से हो रहा है ना। इसीलिए एवरी सिटीजन को चाहिए बैंक अकाउंट होना है ना, फैसिलिटी लेना है। गवर्नमेंट इतना सब्सिडी दे रहा है, गवर्नमेंट इनका इतना आपका स्कीम दे रहा है, तो उसका लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट मस्ट है। बैंक अकाउंट सबको खुलना चाहिए, जस्ट एक ID प्रूफ में हम लोग बैंक अकाउंट खोल दे रहे हैं इसका ना। तो सरकार ने जितना भी आपका बेनिफिट दे रहा है थ्रू अकाउंट थ्रू में दे रहा है, गैस का सब्सिडी किसी को आना है वो भी अकाउंट थ्रू में आ रहा है ना। तो इसीलिए अकाउंट आप बैंक में ज़रूर खुलना है, और सब आके बैंक जीरो बैलेंस में भी अकाउंट खोल सकते हैं ना। और जनधन योजना का भी अकाउंट है, उसमें भी सरकार जितना भी सब्सिडी है वो जनधन योजना का अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र दे रहे हैं, तो ये जीरो बैलेंस में भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबको रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग आइए बैंक में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी आप लोग फ़ायदा लीजिए, इंश्योरेंस का भी आप लोग बेनिफिट लीजिए ना।